हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। आज अपने साथ है 2024 की न्यूली लॉन्च टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B ऑल डार्क ब्लैक एडिशन। तो आज की इस को आरटीआर 164B ऑल डार्क ब्लैक एडिशन में मिलने वाली फीचर 2024 में इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, इसमें आपको चेंजेस क्या हुए हैं, टॉप स्पीड क्या है, माइलेज क्या है, इसमें आपको कितने वेरियंट्स मिलते हैं, कितने कलर ऑप्शन हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस बाइक के कुछ सिनेमेटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते। सबसे पहले बात करते हैं RTR 164B में आपको वेरियंट्स कितने मिलते हैं। देखो, ये ऑल डार्क ब्लैक एडिशन आने के बाद इसमें को टोटल तीन एडिशन मिलने लगे हैं, तीन वेरियंट्स मिलने लगे हैं। सबसे पहले ऑल डार्क ब्लैक, इसके बाद आपको स्टैंडर्ड, और आपको जो डुअल टोन वाला आता है ना वो वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो तीन आपको वेरियंट्स मिलते हैं। अगर वहीं बात करें कलर ऑप्शन की, ऑलरेडी आपको बहुत कलर्स मिलते थे, पर ये कंपनी ने एक टोटली एक नया ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है, सिंगल ऑल ब्लैक थीम के साथ अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, इसके लोगों को भी चेंज कर दिया गया है, ऑल ब्लैक थीम दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो ऑल डार्क ब्लैक कलर है ना, आपको देखने में कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के लुक से। अगर बात करें फ्रंट से, सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देखो। अगर फ्रंट से देखोगे ना तो आपको चेंजेस ज़्यादा कुछ दिखेंगे नहीं, केवल ब्लैक थीम के अलावा कुछ चेंज नहीं किया गया है। पहले से यहाँ पे आपको डीआरएस मिलते हैं, आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलता है। मैं की ऑन करके दिखाता हूँ, देखो बहुत अच्छा सा दिखने वाला आपको डीआरएस मिलता है। यहाँ फ्लैग का आपको एम्बलम मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर के ऊपर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी सेंटर में आपको नंबर प्लेट की जगह मिलता है। यहाँ आपको नेकेड मिलता है, टर्न इंडिकेटर हैलोजन के मिलते हैं, आपको मिरर पूरा ब्लैकआउट मिलता है। मिरर के ऊपर आपको एक कार्बन फिनिश का टच वगैरह भी दिया गया है। अगर बात करें मडगार्ड की, पूरा ग्लॉसी ब्लैक कलर मडगार्ड दिया गया है, हार्ड फाइबर यूज किया गया है। तो ये RTR 164B ऑल डार्क ब्लैक का फ्रंट का लुक है। आप मुझे फ्रंट से बताना कि बाइक आपको देख के कैसा लग रहा है। फिलहाल की को बंद करते हैं, बैटरी डाउन होगा। अभी बात करते हैं सस्पेंशन की। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। अगर वही बात करें ब्रेकिंग की, सबसे पहले देखो फ्रंट में आपको सुपर मोटो ABS मिलता है, मतलब सिंगल जन ABS मिलता है। यहाँ फ्रंट में आपको 270mm का डिस्प्ले मिल जाता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, देखो टायर आपको TVS का टायर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको टायर है कि 90x90 17 इंच का आपको ट्यूबलेट टायर दिया गया है। बाकी आपको ब्लैक भी ऑल ब्लैक थीम पे दिया गया है, पूरा ब्लैक कलर। TVS रेसिंग आपको रेड कलर के ऊपर टच वगैरह दिया गया, अच्छा लग रहा है देखने में। अभी बात करते हैं राइट प्रोफाइल की। अगर बात करें राइट की, सबसे पहले आप राइट से लुक देखो। ये अपाचे का जो लुक है ना, बहुत स्पोर्टी लुक आता है, बहुत मस्कुलर लुक आता है। ये जो टैंक काउल की तरह ही आपको यहाँ पे टैंक दिया जाता है, मतलब ये टैंक काउल अलग से नहीं है, इसमें टैंक नहीं अटैच है, पर बहुत साफ सा लुक दिया जाता है ना, अच्छा लुक बन जाता है। जो TVS का लोगो था ना, अब इसको ब्लैकआउट कर दिया गया है, पर यहाँ फ्यूल कैप अभी भी आपको सिल्वर कलर मिलता है। RTR 160 की बैचिंग टाइप मिल जाती है। बात करें सीट की, सीट का पैटर्न बहुत अच्छा दिया गया है, सीट की कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है। सीट आपको यहाँ ब्लैक में दिया गया है, पर ये हल्का कार्बन टेक्सचर वगैरह भी दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पे ग्रैबल की, स्पोर्टी ग्रैबल आता है, आपको पता है अपाचे का बहुत फेमस है, यहाँ पे ग्रैबल मिलता है आपको। यहाँ RTR 164B की बैचिंग टाइप मिल जाती है। अगर बात करें फुटरेस्ट की, देखो फुटरेस्ट की क्वालिटी वगैरह अच्छी दी गई है, एल्युमिनियम का फुटरेस्ट यूज किया गया है। यहाँ जो राइडर का फुटरेस्ट है ये फोल्डेबल है। बाकी आपको ब्रेक लीवर दूसरे कलर में दिया गया है। यहाँ पे आपको देखो इंजन में किक वगैरह मिलता नहीं है, इंजन के ऊपर आपको TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है, ये भी आपको ब्लैकआउट में दिया गया है। यहाँ पे आपको देखो लेग गार्ड लगाया गया है, क्रैश गार्ड लगाया गया, मतलब इंजन क्रैश गार्ड लगाया गया है। यहाँ पे इंजन गार्ड वगैरह लगाया गया है, इस पर आपको हाइपर एज लिखा मिलता है। एजी सा लुक दिया गया, अच्छा लुक आ रहा है। साइनी ब्लैक है, ग्लॉसी ब्लैक कलर दिया गया है। अगर बात करें एग्जॉस्ट की, देखो एग्जॉस्ट भी बहुत मस्कुलर मिलता है, देखो कितना अच्छा मस्कुलर लुक दे रहा है, पूरा ब्लैकआउट में मिल जाता है। इसके ऊपर देखो मफलर गार्ड भी ब्लैक है, पर यहाँ पे आपको मेटल का मिल जाता है। अभी बात करते हैं रियर पार्ट की। देखो रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है, 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। अब ड्रम ब्रेक देने के पीछे एक रीज़न है कि 160cc में बहुत सस्ती बाइक ये आ जाती है। प्राइस के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। बात करते हैं टायर सेक्शन की। देखो टायर यहाँ पे आपको ये TVS का टायर मिलता है, और 110x80 17 इंच आपको ट्यूबलेट टायर वगैरह मिल रहा है। बाकी यहाँ पे अलॉय आपको ब्लैकआउट मिल जाते हैं, टायर हगर भी मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड फाइबर ही है। बाकी हल्का सा मडकैप मिल जाता है। यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। आपको RTR 162B में ना ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, पर 4B में यहाँ पे आपको ये मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया गया है। अभी बात करते हैं इसके इंजन की। देखो आपको यहाँ मैकेनिकली चेंज कुछ नहीं किया गया। 159.7 cc का व्हर्लपूल सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वाल्व FI इंजन आपको मिल जाता है। बात करते हैं इंजन डायमेंशन की, बोर 62mm का, स्ट्रोक 52.9mm का मिल जाता है।
तो आपको इंजन डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम दिया गया है। बात कर लेते हैं पावर की। जैसा कि आपको पता है राइडिंग मोड्स मिलते हैं, तीन राइडिंग मोड मिलते हैं, तो पावर और टॉर्क भी वेरी करता है। मैक्सिमम पावर स्पोर्ट्स मोड में सबसे ज़्यादा मिलता है, 17.55 पीएस का मिल जाता है 9250 आरपीएम पे, और अर्बन और रेड में आपको 15.64 पीएस का मैक्सिमम पावर मिल जाता है 8600 आरपीएम पे। बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क भी वेरी करता है, स्पोर्ट्स में आपको ज़्यादा मिलता है 14.73 न्यूटन मीटर का मिल जाता है 7500 आरपीएम पे, और अर्बन और रेड में आपको 14.14 न्यूटन मीटर का मिलता है 7000 आरपीएम पे। वैसे आरटीआर 164 भी आप चला के देखना, 2V से अच्छा पावर मिलता है, अच्छा पिकअप वगैरह मिल जाता है। बाकी अगर बात करें रियर पार्ट की, सबसे पहले आप रियर का लुक देखो, रियर से भी बहुत स्पोर्ट लगता है। एलईडी टेल लाइट मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे हैलोजन के मिल जाते हैं। बाकी सेंटर में जो दिया गया है आपको सीट ओपन के लिए दिया गया है, नंबर प्लेट लाइट्स है, नंबर प्लेट की जगह रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया गया है। तो ये आपका रियर का लुक है। अभी बात करते हैं लेफ्ट प्रोफाइल की। अगर बात करें लेफ्ट से, सबसे पहले आप लेफ्ट का लुक देखो, राइट की तरह लुक दिया गया, ऑल ब्लैक थीम जो मैं बोल रहा हूँ इसको भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। यहाँ अपाचे का आपको स्टिकरिंग मिल जाता है, आरटीआर 164B का आपको यहाँ पे रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में दिया गया है। यहाँ पे आपको आरटीएफआई मतलब रेस ट्यून आपको इंजन मिलता है, पता ही हाइपर एज मिल जाता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ तेजी सा लुक दिया गया है। अगर बात करें गियर बॉक्स की, 5-स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, 2 शिफ्टर मिलता है, और आरटीआर 164B में जो फुटपैक दिया गया है ना वो हल्के तरफ पीछे दिया गया है, तो जब बैठते हुए तो बहुत आपको यहाँ पे स्पोर्टी वाला यहाँ पे फील आता है, मतलब पोजीशन जो आता है ना पैर का अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने बता दिया 5-स्पीड गियर बॉक्स। बाकी यहाँ पे मेन स्टेयर मिलता है, साइड स्टेयर मिल जाता है, साइड स्टेयर इंजन कटअप सेंसर है, यहाँ ओपन चेन सिस्टम मिलता है, ओपन की वजह से भी लुक भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आपको ये साइड में साड़ी गार्ड मिल जाता है, तो साड़ी दुपट्टा फंसने से वगैरह आपको बचा देता है। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की कुछ ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात की इसकी ओवरऑल लेंथ की, ओवरऑल लेंथ है 2035 mm का मिल जाता है, ओवरऑल विड्थ है 790 mm का मिल जाता है। बात करते हैं व्हील बेस की, 1357 mm का मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा दिया गया है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। वहीं बात करें सीट हाइट की, 800 mm का सीट हाइट है, मतलब 2V से आपको 10 mm ज़्यादा मिलता है 4V में। 5.5-5.6 हो तो बहुत कंफर्टेबल दिखे चला लोगे। कर्व वेट इस बाइक का 146 kg है। अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है। टैंक देखो बहुत मस्कुलर मिलता है, टैंक पे आपको ग्रिपिंग बहुत अच्छी आ जाती है। बाकी आपको पता है यहाँ पे आरटीआर 160 में आपको यहाँ पे थोड़ा फ्यूल साइड में मिलता है, थोड़ा डिजाइन वाला लुक भी अच्छा हो जाता है। बाकी बात करते हैं की वेब बाइट की मिलता है, प्रीमियम की मिलता है, की ऑन करते हैं। देखो यहाँ फुली डिजिटल मीटर मिलता है, मैंने आपको बताया था इसका एक 3 वेरियंट आता है, जो ऑल डार्क एडिशन है इसमें आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको देखो क्लॉक मिलता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यहाँ पे टैकोमीटर, ये मोड मिलता है, यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो। यहाँ टिल्ट लाइट्स आपको मिल जाता है, यहाँ से टॉगल बटन मिल जाता है। बात करते हैं स्विच गियर की, पास लाइट, अपर बीम, लोअर बीम, टर्न इंडिकेटर का स्विच, एक हॉर्न का स्विच जो कि बहुत लाउड है, इग्निशन किल स्विच मिलता है, मोड का बटन मिलता है, यहाँ से आप स्विच DRL स्विच कर सकते हो, हेडलाइट स्विच कर सकते हो, इग्निशन का बटन वगैरह मिलता है। यहाँ पे क्लच लीवर और ब्रेक लीवर आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पे एल्युमिनियम का आपको मिल जाता है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया, अच्छा क्वालिटी भी दिख रहा है। बाकी इसके एग्जॉस्ट नोट को यहाँ पर सुनते हैं एक बार। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आरटीआर 164B का ये ऑल डार्क बैक एडिशन है, इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुन के कैसा लग रहा है। अभी बात करते हैं माइलेज की। देखो इसमें माइलेज भी अच्छा मिल जाता है, अराउंड को 45 kmpl का माइलेज मिल जाता है लोगों को। देखो ये जो माइलेज है ना बहुत से फैक्टर पर डिपेंड भी करता है कि आपका स्पीड क्या है, रोड का कंडीशन क्या है, इसलिए ये अप डाउन भी होता रहता है। तो जिनके पास आरटीआर 164 भी है ना वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें आपको माइलेज क्या मिलता है। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखो इसका काउंटर प्राइस पुणे में 1,48,000 के अराउंड आता है। वैसे आप किस सिटी से बिलोंग करते हो अपना सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं आपके सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। वैसे आप TVS का कोई बाइक या स्कूटर लेना चाहते हो तो साईं बाबा TVS वॉकट में आप विजिट कर सकते हो। शोरूम के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, विद मैप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे डायरेक्ट शोरूम पे अपनी बुकिंग ले सकते हैं या फ़ोन पे भी अपनी बुकिंग ले सकते हैं। वैसे आपने यहाँ मैं वीडियो का रेफरेंस दिया तो यहाँ अच्छे ऑफर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये डार्क एडिशन जो लॉन्च हुआ है ना आरटीआर 164B में, ये आपको देख के कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सकते हैं, पूछ सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी लिखा है आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।